साल के कार्यक्रमों के बहाने बीजेपी यूपी को जीतने के मिशन में जुटी हुई है, तो बीजेपी ने अपने तमाम मंत्रियों और बड़े नेताओं को यूपी में झोंक दिया है। अरुण जेटली लखनऊ में, जेपी नड्डा वाराणसी में, स्मृति ईरानी गोरखपुर में और हरसिमरत कौर आगरा में बीजेपी के विकास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ये विकास पर्व जिसकी शुरुआत हो चुकी है, दो साल कल जिस तरह से पूरे किए हैं सरकार ने, अब सबसे अहम हो जाता है कि जो भी काम किए गए हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। थोड़ी देर पहले अमित शाह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा काम किए गए हैं सरकार की ओर से। तो इससे पहले कल सहारनपुर की रैली में बीजेपी ने अपने इरादे साफ कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को यूपी वाला बताया और कहा कि वो यूपी वाला होने के नाते आशीर्वाद लेने आए हैं। तो वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में 14 साल का वनवास खत्म हो गया है। मैं उत्तर प्रदेश वाला हूं, उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते मेरा स्वाभाविक मन करता है आप सबके आशीर्वाद प्राप्त करने का। ऐसी चमचमाती धूप में भी आप मुझे आशीर्वाद देने आए, ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपका बहुत बहुत फिर से आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, 14 वर्षों का वनवास उत्तर प्रदेश में पूरा हो गया है। बहनों भाइयों, यही अपील करने आया हूं, यह वनवास अब समाप्त होना चाहिए। 14 वर्ष तक तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भी वनवास नहीं रहा है, इसलिए भाजपा का भी यह वनवास उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाप्त होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बननी चाहिए।